गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। व्हाट वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास में अपन ने सेंटेंस क्या होते और सेंटेंस को अपन कैसे बना सकते हैं। फिर अपन ने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर अपन ने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया है उसे तो अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है उसे अपन क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। फिर इसके अपन कुछ एग्जाम्पल, फिर अपन ने इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, अमित एट बनानास। अमित तो क्या है, सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट क्या है, एट बनानास। जो पिंक कलर में है वो तो क्या है, सब्जेक्ट, और ब्लू कलर में वो है क्या है, प्रेडिकेट है। नेहा स्विस्ड ऑन द लाइट, तो नेहा क्या है, सब्जेक्ट है, और स्विस्ड ऑन द लाइट ये क्या है, प्रेडिकेट है। माया इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो माया क्या है, सब्जेक्ट है, इज वेटिंग एट द बस स्टॉप ये क्या है, प्रेडिकेट है। रुचि एंड प्रियंका वेंट टू वॉच ए प्ले, तो रुचि एंड प्रियंका क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट टू वॉच ए प्ले ये क्या है, प्रेडिकेट है। द लिटिल गर्ल ये तो क्या है, सब्जेक्ट है। डांस ब्यूटीफुल तो डांस ब्यूटीफुल क्या है, प्रेडिकेट है। अशोका वाज ए जेनरस किंग, अशोका क्या है, सब्जेक्ट है, और वाज ए जेनरस किंग ये क्या है, प्रेडिकेट है। इन द अबाउ सेंटेंस द फर्स्ट सेंटेंस टॉक अबाउट अमित हु एट बनाना, जो अभी जो ऊपर दिए गए जो भी सेंटेंस है उसके बारे में बताया गया है कि जो अमित है, अमित के बारे में क्या कहा गया है कि हु एट बनाना, कि बनाना कौन खा रहा है, अमित। अमित इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो अमित सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। इन द सेम वे नेहा माया रुचि एंड प्रियंका द लिटिल गर्ल एंड अशोका आर द सब्जेक्ट ऑफ द अदर सेंटेंस। सेम इसी तरीके से जो अदर सेंटेंस है उसमें ये क्या है, सब्जेक्ट है। ए सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स About which something is said in a sentence. It can be noun or a pronoun. Subject क्या होता है, words का group होता है, क्या होता है, subject words का group होता है। और इसमें जो है sentence में जिसके बारे में बताते हैं क्या बताया गया है, लेकिन subject सेंटेंस में जिसके बारे में बताया गया है उसे अपन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। सब्जेक्ट जो है नाउन और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड द वर्ड इन ब्लू कलर इन ईच ऑफ द अबाउ सेंटेंस इन द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, जो राइट हैंड की तरफ जो है ब्लू कलर में वो सब क्या है, प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट के बारे में क्या कहा गया कि ए प्रेडिकेट नॉर्मली आंसर द क्वेश्चन, प्रेडिकेट क्या होते हैं, नॉर्मली जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं। वॉट डिड द सब्जेक्ट डू, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कहा गया, सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या है,
ओके ऑल दिस सेंटेंस इन्फॉर्म द रीडर अबाउट व्हाट देयर सब्जेक्ट डिड. इन अपन सभी सेंटेंस को रीड करके पता कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वो है क्या कर रहा है. ए प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. प्रेडिकेट भी क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है. विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जिसके बारे में, मतलब प्रेडिकेट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है. टू फाइंड हु और व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो सब्जेक्ट में क्या, सब्जेक्ट में क्या होता है कि प्रेडिकेट में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है. हु और व्हाट का आंसर होता है. फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस, फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस एंड देन मेक ए क्वेश्चन बाई प्लेसिंग हु और व्हाट बिफोर इट द आंसर दैट द वर्ब गिवन इज द सब्जेक्ट. सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है वो उसमें वर्ब भी ऐड होती है. क्या होती है, उसमें वर्ब भी ऐड हो सकती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज प्लेड क्रिकेट फॉर देयर स्कूल एंड वॉन. बॉयज ने क्या, बॉय ने क्या किए, उन्होंने क्रिकेट खेला और स्कूल में जीत गए. ठीक है, तो इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. तो प्रेडिकेट में इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है. व्हाट और हुम दोनों, व्हाट और हु दोनों का आंसर इसमें है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है. द वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज प्लेड, हु और व्हाट प्लेड. क्या का सेंटेंस में किसके बारे में बताया गया है कि हु का आंसर क्या है, कि कौन खेल रहा है क्रिकेट, कौन खेल रहा है. ओके फिर व्हाट का आंसर भी सेंटेंस में दिया गया है कि व्हाट, कि क्या खेल रहा है, तो इसमें दिया गया आंसर कि क्रिकेट खेल रहा है. ओके प्लेड क्रिकेट, तो हु और व्हाट दोनों का आंसर सेंटेंस में दिया गया है, तो ये क्या है, प्रेडिकेट है. द आंसर इज द बॉय, हैज दे आर द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. बॉय क्या है, बॉय क्या है, सब्जेक्ट है. द प्रेडिकेट विच ऑलवेज इंक्लूड द वर्ब, प्रेडिकेट में क्या होती है, वर्ब भी इंक्लूड होती है. गोज ऑन द रिलेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से रिलेट करती हैं. व्हाट अबाउट द बॉयज, बॉयज के बारे में क्या कहा है, कि दे प्लेड क्रिकेट फॉर देयर स्कूल एंड वॉन. नाउ रीड सम मोर example and underline and example and understand how the sentence is divided into subject and predicate. इस सेंटेंस को अपने को रीड करना है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे क्या करना है, अंडरलाइन करना है. आप कर सकते हो ना, क्योंकि आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस सेंटेंस को रीड करके और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर सकते हो, है ना. नेक्स्ट देखो, अब कुछ सेंटेंस जो है उनको डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में. जैसे देखो, आई रीड, आई क्या है, सब्जेक्ट, और रीड क्या है, प्रेडिकेट. दे आर प्लेइंग, तो दे क्या है, सब्जेक्ट, और आर प्लेइंग क्या है, प्रेडिकेट है. द गर्ल आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट है, और आर सिंगिंग ए सॉन्ग ये क्या है, प्रेडिकेट है. ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट, रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट गेट सक्सेस, तो ए रेगुलर एंड पंचुअल स्टूडेंट तो क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन इनके बारे में क्या कहा गया है कि गेट सक्सेस, तो ये क्या है, प्रेडिकेट. द स्मॉल ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल,
ओके डांस तो द स्मॉल एंड ब्यूटीफुल द स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल क्या कर रही है, क्या करती है, डांस करती है. तो ये क्या है, प्रेडिकेट है. ओके टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं. रीड द गिवन कन्वर्सेशन कैरफुली. अमित व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, हु इज द पेंटर. फिर सुमित क्या कहता है कि आई एम पेंटर, प्लीज डू नॉट टच इट, द पेंट इन स्टिल वेट. इन द अबाउ कन्वर्सेशन यू विल नोटिस दैट इज सेंटेंस इज ऑफ ए डिफरेंस काइंड. द फर्स्ट वन इज एन एक्सक्लेमेशन, द सेकेंड वन इज ए क्वेश्चन, द थर्ड इज ए सेंटेंस एंड द फोर्थ इज ए रिक्वेस्ट. कि आप देखो यहाँ पे जो है टू सेंटेंस अपने पास दिए हुए हैं, ठीक है. तो फर्स्ट सेंटेंस में अमित क्या कह रहा है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, हु इज द पेंटर. तो फर्स्ट सेंटेंस में तो जो है एक्सक्लेमेशन दिया गया है. फिर सेकंड सेंटेंस में देखो हु इज द पेंटर, तो सेकंड सेंटेंस में क्या है कि क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि इसका पेंटर कौन है, हु इज द पेंटर. आई एम ए पेंटर, आई एम ए पेंटर. तो थर्ड सेंटेंस में क्या है, स्टेटमेंट है. प्लीज डू नॉट टच इट, द पेंट इज स्टिल वेट. तो फोर्थ सेंटेंस में क्या है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज पेंटिंग को टच मत करो, ठीक है. फिर देखो सेंटेंस आर ऑफ फाइव काइंड. सेंटेंस जो है कितने टाइप के होते हैं, फाइव टाइप के होते हैं. असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये तो कौन से सेंटेंस होते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट. क्या होते हैं, स्टेटमेंट. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन, जिसमें अपन जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं ना वो क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है, एन एक्सक्लेमेशन, इसमें एक्सक्लेमेशन देते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ए कमांड, जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस, ए विश और प्रेयर, और विश और प्रेयर वाले जो सेंटेंस होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ओके तो सबसे फर्स्ट वाला जो है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में अपन स्टडी करेंगे. एन असर्टिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट स्टेट असर्ट्स एंड डिक्लेयर समथिंग इट एंड विद ए फुल स्टॉप. मीन्स असर्टिव सेंटेंस जो भी हैं, इन सेंटेंस का जो एंड है वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है. जैसे देखो वी वेंट टू आगरा बाय कार, वी वेंट टू आगरा बाय कार, तो इसका जो एंड है वो कैसे हो रहा है, फुल स्टॉप से. दैट डे इज वेरी कॉल्ड, तो इसका जो एंड है वो किससे हो रहा है, फुल स्टॉप से. नेहा लिव्स इन ए बिग कॉटेज, इसका फुल स्टॉप भी, इसका एंड भी क्या कैसे हो रहा है, फुल स्टॉप से. प्रियंका इज एन आर्टिस्ट, सी ड्रॉ रियली वेल, इसका एंड भी फुल स्टॉप से हो रहा है. तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है. फिर देखो द सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर ऑफ एंड विथ ए फुल स्टॉप. जो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप से एंड होते हैं. दे आर असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इन्हें अपन क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस. दे मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट फॉर्मल असे, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन शीट्स, मैनुअल शीट्स. ये मोस्टली कौन से सेंटेंस होते हैं, फॉर्मल असेज एंड रिपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन शीट्स एंड मैनुअल्स, ठीक है. फिर अपन रीड
फिर अपन स्टडी करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे अपन क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट एंड विथ ए मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से होता है। फिर देखो व्हाट आर यू डूइंग, जैसे एग्जांपल अपन देखें व्हाट आर यू डूइंग, तो इसमें क्या कर रहा है ये, क्वेश्चन पूछ रहा है। वेयर डू यू स्टडी, इसमें भी क्या कर रहा है ये, क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हेन विल यू रिटर्न, क्वेश्चन मार्क है स्टेटमेंट के लास्ट में, और ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू बिलीव इन गॉड्स, डू यू बिलीव इन गॉड्स, तो ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर इज योर हाउस, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि इंट्रोगेटिव को अपन आइडेंटिफाई बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो लास्ट में होते हैं क्वेश्चन मार्क होता है। दिस सेंटेंस आर क्वेश्चन, दे बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड विथ ए क्वेश्चन मार्क, दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और उनका जो एंड होता है वो किससे होता है, क्वेश्चन मार्क से उनका एंड होता है। ओके, आर यू अंडरस्टूड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड असर्टिव सेंटेंस। ओके, इट्स फॉर टूडेज रिमेन टॉपिक, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।